11th, चलो। पर यार ये तो 11th भी बहुत बड़ी। तो गाइस पहुंच गए भैया। एक तो जो बारिश का मौसम है। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक हो गए, हम भी सब बढ़िया हैं। तो गाइस आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, सुबह नहीं हो रही है, नहा वाली थी। कहीं जाना है वो सागर ही बताएगा कहाँ जाना है, वो तो अभी है नहीं। तो मैं अब रेडी होंगी, तो मैंने सोचा पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी तो मैंने यही पहन रखे अपने घर के ढीले से कपड़े। तो अब वो आएगा जब मैं सागर से मिलवाऊँगी, फिर वो ही बताएगा कहाँ जा रहे हैं। और मैं अब सूट निकालूँगी, उनमें से दिखा दूँगी तुम्हें क्या पहनूँ। समझ ही नहीं आता मेरे को कुछ, इतने सूट होके भी कुछ समझ नहीं आता जब जाती हूँ क्या पहनूँ। और मम्मी का आया अभी मैसेज, चाय बना रही है मम्मी, तो मैं पी आती हूँ थोड़ी सी चाय। तो चलो चाय ले आते, लाइट बंद है। ये बना दिया गाइस चाय, मम्मी ने पी ली थी। तो गाइस चाय तो मैं पी आई हूँ, अब मैं सूट निकाल लेती हूँ। ये वाला भी मेरा न्यू है, पहना नहीं है ये भी अभी एक बार भी। अच्छा है ना सूट, यही पहनती हूँ, पुराने क्यों पहनने जब नए हैं। तो गाइस मैं हो गई थी रेडी, मतलब इतने लाइट चला लो, इतने सूट निकाल देख के देखना कितने सारे पड़े हैं। पता नहीं सारे ढीले हो गए मेरे सूट, ये नया ही था, ये भी नहीं आ रहा, ये भी बहुत ढीला है, वो पहना वो भी बहुत ढीला है, सारे बीच में जब मोटी हो गई थी जब वैसे बनवा लिया, अब सब एक ये आया है अब ढंग से जो थोड़ा सही आया है, नहीं तो वो सारे यहाँ से पेट पे ऐसे लटक रहे हैं, मतलब अजीब से लग रहे हैं। अब बस मुझे बाल करने हैं। और इसकी स्कर्ट है, मैंने वो वाला सूट पहन लिया था ग्रीन वाला, उसकी पैंट भी पहन ली थी ये, पर वो बहुत ढीला आ रहा है, आ ही नहीं रहे, कोई भी सूट नहीं आ रहे पहले के। तो इस बारे अब मैं तैयार हो जाती हूँ, तैयार तो होगी, मतलब ये मेकअप वेकअप तो कर लिया अपने, वैसे स्कर्ट पहन के और सामान देखना। यहाँ गर्मी हो रही थी इस कमरे में, तो मैंने एसी चला के वहाँ पे रख रखा है सारा सामान। अभी इतने सागर आ रहे हैं, इतने सारा उठा देती हूँ वहाँ से। ये वाला मिरर लाई थी, इसमें कर रही पर नहीं हो पा रहा मेरे से, तो उसी मिरर में हो पाता है। एक तो जो बारिश का मौसम है ना, इसमें हेयर इतने फ्रीजी फ्रीजी से हो रहे हैं, किस किस के हो रहे हैं बताना कमेंट करके। मेरे तो कितने भी स्ट्रेट कर लूँ कुछ कर लूँ दोबारा ये ऐसे मुड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि बारिश के मौसम में शायद होता ही है। सभी कहते हैं ऐसे कि हमारे बाल ऐसे हो रहे हैं, मैसी मैसी फ्रीजी फ्रीजी से ऐसे यहाँ से उठे उठे से, क्या करें अब हो रहे तो हो रहे हैं। अभी टाइम है तो मैं इन्हें सेट कर देती हूँ। ये इसकी स्कर्ट और चुन्नी है, ड्राई क्लीन हो के आए थे ना, इसमें भी ये पेपर लग रहा है, तो इनको मैं रख देती हूँ, फिर आके भी करनी पड़ेंगे ये भी। तो गाइस जा रही हूँ मैं, ये है मेरा सूट, लेट हो रही, जल्दी निकल जाओ पहले। तो गाइस मैं जा रही हूँ, बाहर खड़ा है सागर अभी, वो तो फाइनली पहुँचने वाले हम, गुड़गांव पहुँच गए तो दीदी के घर पे जा रहे हैं। दीदी है हमारी एक, वहाँ पे जा रहे हैं बस दीदी के घर पे, आज हमारा है डिनर। तो गाइस पहुंच गए हम वहां से सोसाइटी में, विजिटर यहां से ना, हाँ सोसाइटी में बस एंट्री कर रहे हैं। मन करेगा रुक जाऊंगा, तेरे को पता है, मन नहीं करेगा तो चला जाऊंगा। नंबर डालो। हां 80 गाइस पहुंच गए भैया हमारे, जा रहे प्राइवेट पर्सन, हम दिखा नहीं सकते ठीक है, कैमरा चाहिए और सब भी थोड़े कैमरे चाहिए, तो वो तो आएंगे नहीं, पर हम तुम बस हमें देखोगे ब्लॉग में और किसी को। तो ये सोसाइटी है, ये देख लो भाई, हाई राइज 12th फ्लोर पे जा रहे हैं हम। 12th? हाँ 12th फ्लोर है। सागर आज मुझे फेंकेगा ऊपर से, और छोटी हो जाएगी तो गोदी लेकर चलो करूंगा फिर इसे। अब बता दी इसमें रील। तो गाइस हम आ गए, यहाँ पे सही दिख रहा है पूरा,
काफी अच्छा चलो गाइस ये दिक्कत है ना मुझसे नहीं हम ये दिखा रहे हैं ना बल क्या खाएंगे ये मालपुए 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 और खीर खाएंगे हमारे गुरु जी अच्छा गाइस यहाँ है गुरु जी का वो पूरा दरबार और ये शर्मा रहे हैं बच्चे ये बच जाती है व्लॉग से हाँ जी कैसे बढ़िया तो गाइस देख लो दी हमारे लिए कितना सजा धजा के ला रही है हर चीज तो गाइस देखो एक एक चीज तसल्ली से दिखाती हूँ मैं कितना सुंदर बना रखा है मतलब गुरुजी ने ही बनाया है ये भाई सब गुरुजी की कृपा है और दी ने मेरे को ब्रेसलेट भी बनाया है जय गुरुजी का शीशों में ब्लॉग बनाने में मजा आता है दिख रहे हैं ना पूरे हाँ देखना दिख रहा है नेट मेरे रूम में नेट नहीं है लेकिन वहाँ का व्यू नहीं है व्यू देख लो ये जगह तो गाइज हम खड़े हैं 50वीं मंजिल पे 50वीं नहीं है 12th है ना 11th चलो पर यार ये तो 11th भी बहुत बड़ी लग रही है अगर नेट ना हो तो डर लगेगा और नीचे हाँ अच्छा पूल है तो मेरे को खुद लग रहा है वो तो नेट है तो मन में डर सा नहीं लग रहा मेरे रूम में जाके खेलो हाँ वहाँ चलते हैं वहाँ चले आंटी का मेक ओवर हो रहा है आंटी आ गई है फुल फॉर्म में बोलो आंटी हाय गाइस बोलो बोलो अगर अगर कोई ऐसा व्लॉगर बन गया ना हाय गाइस बोलने से पहले आधा घंटा हंसेगा तो कोई व्लॉग नहीं देखेगा आप बोलेंगे आंटी चलो हाय गाइस जय गुरु जी जय गुरु जी सब कैसे हो बच्चों बढ़िया सब बच्चे खुश हैं आंटी देख लो कितनी मेहनत में लग रही है प्रसाद बना रही है आंटी कल के लिए और क्या तो अपने हाथों से बना हाँ ना बेटे वो उसमें ही तो उसी में तो है सब कुछ हाँ सब कुछ उसमें ही है कल दिखाएंगे वो तो हम कल वाले व्लॉग में बनाएंगे सारा हाँ और क्या मैं अभी तो गाइस हमारी प्लेट खाली पता है क्यों रखी है बताओ क्यों रखी है नहीं गलत जवाब क्योंकि हम प्लेट में खा ही नहीं रहे हैं हम खा रहे हैं हाथ में रख के क्यों करें हम घर के घर जैसा है हमारा हम अपना बढ़िया खाते हैं दीदी को परेशान नहीं करते हम दीदी को ज़्यादा परेशान नहीं करना है खाना खाओ तसल्ली से खाओ बैठ के हंसो मत देखो मत इधर ज़्यादा हंसो और तुम्हें बता दूँ शिवानी और निशानी कर चुके हैं अब ये ना जो वीडियो शूट करती है ना उसमें मेरे को काला दिखाती है और मैं देखो कितना गोरा हूँ अब समझाओ इसको ठीक है ये सूट ही ऐसा करते हैं भाई कि काला इंसान ना गोरा भी काला दिखे तो आप दिख नहीं रहे काले हाँ, ये तो मेकअप करके आ गई इनका तो मेकअप घर जाके छूटेगा हमारा क्या होगा तो क्या हुआ तो गाइस अब हम एक रील बना रहे हैं देख लेना वो क्या बैठा है साले बालकनी में से बनाएंगे तो देखना कैसी बनेगी क्या हेलो गाइस चल रही है हवा बढ़िया तो गाइस हमारी रील बन गई है अब हम ये सागर का फोन यही रह गया हाँ सागर का ही है अब हम जा रहे हैं खाना आई माँ इधर आओ देखो मिरर में बढ़िया दिखते हैं बाय बाय गाइस हम खाना खा रहे हैं तो गाइस खाना डल गया दीदी और आंटी ने ये देखो ये पतीला हाँ देख लो आंटी कितने प्यार से बन गया दीदी
पीछे। अब शर्माओ मत, कुछ शर्माने की जरूरत नहीं, बढ़िया। शर्माओ मत दीदी। हाँ, कन्नू भी नहीं शर्मा रही। हाँ दीदी शर्मा रही। डाल दिया आपने? हाँ मैंने डाल के रखा ही था खाना। देख लो, नहीं बस दाल चावल। आंटी देख लो कितनी थक गई है बेचारी सुबह। इतना काम मत करे करो, दीदी से कराओ। चलो कन्नू का रूम दिखाती हूँ। चलो कन्नू दिखाएगी कि कितना ये जाके रखती है कमरे में। नहीं यार साफ है। झूठ बोल रही थी मतलब तेरी मम्मी दीदी झूठ बोल रही थी। अच्छा ये नहीं है, झूठ बोला। दिखाओ अब दिखाओ। गाइस मुझे झूठ बोला गया, देखना कितना सर। नहीं ये तो नहीं है साफ। तो मैं कह रही थी इसमें तो बहुत नहीं करें। कन्नू भाई बहुत साफ सुथरा रखती है। ये है सिर्फ मजाक की बात। अब पढ़ रही है तो यहाँ पे बुक्स तो होंगी, नॉर्मल सी बात है। अब कुछ खाएगी तो प्लेट भी होगी। मम्मी लेके नहीं गई? हाँ मम्मी लेके जाएंगी जब ये रख के आएगी। तो ये गलत है, खुद रख के आना चाहिए। और ये देखो कितना प्यारा सा है ना, इसको देखो। कन्नू कह रही है आंटी, मैं कह रही है प्लेट अब यहाँ पे पड़ेगी तो बुक्स तो होंगी, खाना खाएगी तो। मैंने कहा प्लेट भी हो, कह रही है मम्मी लेके नहीं गई। मैंने कहा मम्मी लेके जाएगी, खुद रख के आनी चाहिए। हाँ कह रही नहीं मैंने कहाँ गई, कह रही मैं तो। मैं तो अब खाना खा रही हूँ, मुझे भूख लग रही है। एक आंटी है जो शर्मा नहीं रही है और सब शर्मा रहे हैं ना। आंटी नहीं शर्मा और क्या, बढ़िया बात है, आना चाहिए ब्लॉग वगैरह में। साथ में बिग बॉस देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं अपना। और सागर भी नहीं शर्माता है ना। चलो आंटी हम जा रहे हैं, बाय बाय, कल मिलेंगे फिर से सत्संग में गुरु जी के। चलो तो दी हम जा रहे हैं। तो गाइस आज वाला ब्लॉग जरूर देखना सागर। हाँ गुरु जी बचा लेंगे और हम कल फिर आएंगे। तो कन्नू बाय बाय। कन्नू देख लो पर्स रख रही है मुंह पे। अब फिर बोलेगी डाल दिया मेरी फ्रेंड्स, वो देखेगी। अब बोलो ऐसे बोलो, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। हाँ आंटी बोलेंगे कि बच्चों लाइक करो। आंटी चलो कल बोलेंगे। चलो भाई जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कन्नू जय गुरु जी, आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलो तो गाइस मैं ऊपर पर्स भूल गई, वो लेने जा रही हूँ। ये चॉकलेट थी, ये खा रही हूँ बादाम वाली, टेस्टी है। ले आई पर्स ये रहा। और मेरे सूट बताना कैसे लग रहा है। सोसाइटी भी बहुत अच्छी जगह है गाइस, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। अब सागर यहाँ से आएगा क्योंकि मैं चली गई थी गाड़ी, वहाँ खड़ी थी, अब वो ऐसे घुमा के लाएंगे यहाँ। तो मैं यहीं खड़ी हो गई, यहीं से बैठ जाऊँगी। गलत खड़ी हो गई थी मैं, यहाँ खड़ी हो गई, गाड़ी निकलेगी तो कहीं यहाँ से। गाइस 10 मिनट में आए, मेरे को 10 मिनट हो गई खड़े खड़े। और अब मैं कर रही हूँ कैब, ये जा रहे हैं। बाय, ठीक है बाय, देखूँगी। बैठना पड़ेगा गाइस। तो गाइस हम आ गए हैं घर, 1:08 हो गए। नींद आ गई मेरे को तो, कितनी वेट में थी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा? तो हम घर आ गए थे, लाइक कमेंट शेयर करना। और भाई हम जहाँ पे गए थे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। दीदी भी बहुत स्वीट थी। और आंटी कैसी लगी? आंटी भी बहुत प्यारी, बहुत सब बहुत अच्छे। तो बहुत मज़ा आया वहाँ। आपको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा। और बहुत टेस्टी खाना खाया हमने, बहुत अच्छा लगा। अब हम कल जाएंगे दोबारा, तो वो तुम नेक्स्ट व्लॉग में देखना क्यों जाएंगे, किस लिए जाएंगे। और ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कर देना, नए तो सब्सक्राइब कर, मतलब हम बताएंगे ना नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे, हम कल बता देंगे हम जहाँ जाएंगे। फिर तुम कल का व्लॉग वरना देखोगे नहीं क्या करने जाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।